हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और आज मैं बात करूंगा एलिमेंट विजिबिलिटी टैग के बारे में। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट पे और वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एलिमेंट विजिबिलिटी टैग और ट्रिगर को कॉन्फिगरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट ओपन है और जो एलिमेंट विजिबिलिटी टैग है उसको हम क्रिएट क्यों करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्क्रॉल डेप ट्रैकिंग के बारे में बताया था कि कैसे आप एक स्क्रॉल डेप टैग बना सकते हैं। अगर आपने उस ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड एक दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट विजिबिलिटी टैग। अगर आप मेरी वेबसाइट को देखें यहाँ पे, तो मेरी वेबसाइट पे कई सारे एलिमेंट्स हैं और मान लीजिए अगर कोई भी चीज मैं इस पे देखना चाहूँ वो कैसे एलिमेंट हैं, मान लीजिए ये जो इमेजेस हैं, व्हाट अवर स्टूडेंट सेज, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट, तो यहाँ आप देखेंगे एलिमेंट्स लिखे आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स। और यहाँ पता लग रहा है ये किसकी इमेज है, सोर्स इमेज पिक्स मुकुल गुप्ता। तो इन एलिमेंट्स की जो विजिबिलिटी है, कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और इन एलिमेंट्स को देख रहा है, उसकी ट्रैकिंग आपको करनी है। तो उसके लिए आप कैसे टैग बना सकते हैं गूगल टैग मैनेजर में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग में आपको ये पता चलता था कि कितने परसेंट पेज लोगों ने देखा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो स्क्रॉल करते करते रुक रहे हैं। पर आप इसमें एक पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट के लिए देख सकते हैं कि यूजर ऐसे कौन से एक्शन है आपकी वेबसाइट पे जो कर रहे हैं और उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टैग है ये और इसमें आप टाइम के हिसाब से भी चीजें सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टैग बनाना। तो टैग बनाने के लिए सबसे पहले आप सीधे टैग्स में जाएं और न्यू पे क्लिक करें। सो जो टैग है वो है हमारा एलिमेंट विजिबिलिटी टैग, और एडिट बटन पर क्लिक करता हूं मैं और यहां से मुझे सिलेक्ट करना होगा गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, क्योंकि टैग बनाना है और डेटा डिप्लॉय होगा इसकी वजह से हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ट्रैक टाइप पेज व्यू नहीं है, अब है इवेंट। और कैटेगरी आपकी क्या है, एलिमेंट विजिबिलिटी। एक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्क्रॉल, लेबल, सीन, वैल्यू आप ना रखें और नॉन अट्रैक्शन इट इज ट्रू, क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने ट्रू रखा था, बाउंस रेट की वजह से हम इसको रखते हैं। और सेलेक्ट सेटिंग वेरिएबल्स, तो गूगल एनालिटिक्स वेरिएबल। तो टैग कॉन्फिगर हो गया है, अब हम ट्रिगर को कॉन्फिगर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्लस न्यू ट्रिगर, सबसे पहले हम ट्रिगर का नाम देते हैं यहाँ पे एलिमेंट विजिबिलिटी ट्रिगर, एंड एलिमेंट विजिबिलिटी ट्रिगर एडिट। और आप देखेंगे यूजर एंगेजमेंट में एलिमेंट विजिबिलिटी। इस ट्रिगर को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आप थोड़ा गौर से देखिएगा चीजें। आपके पास दो सिलेक्शन मेथड है, एक है आईडी और एक है सीएसएस सिलेक्टर। और जैसा कि आईडी, तो आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, आईडी को हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए ही एलिमेंट विजिबिलिटी ट्रिगर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऐड रन किया है गूगल पे और आप चाहते हैं कि वहां से कितने लोग आपकी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी भी एलिमेंट को वो विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए सही रहता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीज के लिए लगाना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें सीएसएस सेलेक्टर। ये सीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब एलिमेंट सेलेक्टर में आपको एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करने हैं उसके लिए एक प्रोसेस है। तो पहले आप जाएं अपनी वेबसाइट पे, और जैसा कि मैंने ये ओपन कर रखा था इसकी कोडिंग,
जो एलिमेंट्स बता रही थी, अब मैं अपनी वेबसाइट में कोई भी एलिमेंट देख सकता हूँ। मान लीजिए जैसे ये बटन है गेट स्टार्टेड, तो इस पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट, तो यहाँ ये एचरेफ टैग के अंदर लिखा हुआ है, जो भी मैटर है। आप ऊपर जाएं डिव क्लास में, यहाँ लिखा है यूके कार्ड बॉडी, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी एलिमेंट, और आप इस टैग को एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर लें जैसे मैंने कर रखा है। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिप क्लास और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है यूके कार्ड बॉडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और गूगल टैग मैनेजर की वेबसाइट पर आने के बाद मैं इसमें इसको कर दूंगा पेस्ट, और यूके से पहले मैं डॉट लगा देता हूँ। अब इसमें लिखा है वैन टू फायर दिस ट्रिगर वंस पर पेज, तो एक बार होगा वंस पर एलिमेंट, एलिमेंट पे एक बार होगा, और एवरी टाइम एन एलिमेंट अपियर ऑन द स्क्रीन, तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद है मिनिमम परसेंट विजिबल, तो आप 100% कर दें, अगर 100% कोई एलिमेंट देखता है तभी ये टैग फायर होगा ट्रिगर की वजह से। और आपके पास और भी ऑप्शन है, सेट मिनिमम ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, और ऑब्जर्व DON चेंजेस, तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, तो अभी हम इसको कर देते हैं सेव, और ट्रिगर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो गई है, और हम टैग को भी कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट विजिबिलिटी टैग और एलिमेंट विजिबिलिटी ट्रिगर दोनों ही कन्फिगर हो गए हैं। अब हम जाएंगे प्रीव्यू मोड में, क्योंकि हमें टेस्ट भी करना है, और साथ ही मैं अपनी वेबसाइट भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो प्रीव्यू और डीबग मोड ऑन हो चुका है, अब मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ से जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है इनको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो टैग फायर हो गया है वो है गूगल एलिमेंट विजिबिलिटी टैग, जो मैंने बनाया था वो फायर हो चुका है। अब जैसे जैसे मैं अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करूंगा, क्योंकि ब्राउजर जो कुकीज है वो सेव कर लेता है, इसलिए ब्राउजर वहीं आ गया जहाँ पहले था। अगर मैं इसको वापस ऊपर ले जाऊँ और फिर से इसको रिफ्रेश करूँ, तो अभी देखते हैं कौन कौन से टैग फायर हुए हैं। टैग्स नॉट फायर्ड एलिमेंट विजिबिलिटी टैग। अब मैं अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करता हूँ अगर, तो देखता हूँ ये टैग, देखिए ये टैग फायर हो गया है, क्योंकि तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया जिसका नाम है इंक्वायर नाउ। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये किसी दूसरे पेज पे, यानी कॉन्टेक्ट अस पेज पे पहुंच जाएगा, जो मेरी वेबसाइट का ही पेज है। अगर मैं इसको और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ फायर 3 times है, जितनी बार वो चीज आएगी 6 times फायर हो चुका है, क्योंकि नीचे पेज चल रहा है। अगर आप देख सकते हैं ये जो बटन्स हैं ये सारे कॉन्टेक्ट अस पेज पे ही जा रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं इसको नीचे करूंगा ये और ज़्यादा फायर होता जाएगा। देखिए जो टैग है वो 10 times फायर हो चुका है। तो जो CSS सेलेक्टर था उसको हम तब यूज़ करते हैं जब एलिमेंट काफ़ी सारे होते हैं हमारी वेबसाइट पे। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर एक एलिमेंट के लिए आपको टैग बनाना है तो आप ID सेलेक्ट करें। तो अभी वापस चलते हैं गूगल टैग मैनेजर अकाउंट पे और एक बार फिर से इस टैग को देखते हैं, और जो ट्रिगरिंग का ऑप्शन है उसको हम चेंज करेंगे इस बार, और यहाँ पे जो सेट मिनिमम ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन थी इसको हम बढ़ाते हैं, मिली सेकेंड्स में हमें बतानी है, तो मैंने मान लीजिए इसको कर दिया 4000 मिली सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद ये होगा। तो इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को, और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ गूगल टैग मैनेजर, और साथ में अपनी वेबसाइट को भी रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी वो टैग फायर नहीं हुआ जो मैंने बनाया था एलिमेंट विजिबिलिटी टैग। तो अब मैं स्क्रॉल करूँगा तो उसके लगभग 4 सेकेंड बाद ये फायर होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो 4 सेकंड बाद ये एलिमेंट विजिबिलिटी टैग फायर हुआ है। तो आप टाइम को इसलिए भी लगा सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट को बार बार अप एंड डाउन स्क्रॉल करते हैं, तो उससे आपको पता नहीं लग सकता कि वो उस एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है या नहीं। तो अगर आप टाइम लगा देंगे तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिस तरीके से हाई इंटेंट फॉर्म बनाए जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, कि ऐसे ही लोग उन फॉर्म्स को फिल करें जो एक्चुअली करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको यूटिलिटी पता चलती है एलिमेंट विजिबिलिटी टैग की। अब इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ये 3 बार हुआ और जो 10 नंबर पे लिखा आ रहा है एलिमेंट विजिबिलिटी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और पूरी इंफॉर्मेशन इसकी लेते हैं। वेरिएबल्स, तो GTM एलिमेंट विजिबिलिटी,
ट्रिगर्स जो मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट करी थी वो, और क्लिक क्लासेस यूके कार्ड बॉडी जो हमने वहां से पेस्ट किया था डिप क्लास से, तो वो सारी चीजें यहाँ लिखी आ रही हैं। तो इवेंट हुआ है वो है GTM एलिमेंट विजिबिलिटी, और डेटा लेयर में आपको पता चल जाएगा यहाँ से। अब आप देखिए जो मेरी वेबसाइट है इसमें मैंने कोई आईडी नहीं बना रखी, ये जो कॉलम है वो खाली है GTM एलिमेंट आईडी। ये आईडी आपको कैसे मिल सकती है, इसके लिए मैंने जो एग्जांपल लिया है वो एक अनदर वेबसाइट का लिया है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए इस वेबसाइट पर मैं कोई भी एलिमेंट देखता हूँ, जैसे ये इमेज है, और इस पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, तो जो डिप क्लास में आईडी है वो है अटैचमेंट अंडरस्कोर 34478। तो इस तरीके से आपको आईडी मिल सकती है, और आप गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो एलिमेंट विजिबिलिटी टैग बना रहे हैं उसमें आप पर्टिकुलर आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी आपको तभी सिलेक्ट करनी है जब आप किसी एक एलिमेंट के लिए टैग बना रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा डिप्लॉय होना शुरू हो जाए तो आप इस टैग को इस सबमिट बटन से सबमिट कर दें, और सबमिट करेंगे तो आप गूगल एनालिटिक्स की मदद से जो पूरा डेटा डिप्लॉय होगा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पे आपके, आप उसको बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है जो लोग कोडिंग जानते हैं उनके लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं जिनको कोडिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी चीज गूगल टैग मैनेजर के अंदर कठिन नहीं है, बस आपको उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि चीजें अच्छे से समझ में आए तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देखिए ध्यान से, जो भी प्रीवियस वीडियो हैं ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप उनको सीरियसली देखते हैं। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो मेरी वेबसाइट पे जो भी चीज है वो मेरे लिए तो ये इमेज है या फिर आइकन्स हैं या लोगो हैं, पर जो वेबसाइट मेरे डेवलपर ने बनाई है ये, उसके लिए सारी चीजें ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, उसकी वजह से ये सब एलिमेंट है। तो बस इतना ही फर्क होता है कि किसी कोडिंग वाले व्यक्ति के नजरिए से देखने का और किसी डिजिटल मार्केटर के नजरिए से देखने का, बाकी चीजें वो सेम है। तो आप बहुत आसानी से ये काम सीख सकते हैं, और गूगल टैग मैनेजर में जो भी टैग मैंने आपको बताए हैं वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप आपकी चीजें समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि कैसे आप एलिमेंट विजिबिलिटी टैग अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlabs.com/contactus.php। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।